बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रेमेडी लेके आ गई हूँ। ये आपके स्किन पे वन टाइम अप्लाई करोगे तभी से आपको विजिबल रिजल्ट हो जाएगा कि कैसे आपके स्किन पे ये ग्लोइंग निखार लेके आने वाला है, और वो भी नेचुरल तरीके से। तो इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारे नेचुरल है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से ये दोनों काम जरूर कर लीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो सबसे पहले इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मसूर दाल। मसूर दाल जनरली हमारे घर पे अवेलेबल हो जाती है। अगर जिनके पास नहीं है तो आप किसी भी शॉप पे जाके 10-15 रुपीज में काफी सारी क्वांटिटी में ये मिल जाती है। और सबसे मेन फायदा ये है इस रेमेडी का कि आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आपको कितने टाइम तक स्टोर करना है मैं वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दाल को अच्छे से धो लेना है और रात भर के लिए इसको अच्छे से सोक करने के लिए छोड़ देना है। अगर आप इसको रात भर भी नहीं रखना चाहते तो 3-4 घंटे के लिए आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी दाल एकदम रेडी है रेमेडी बनाने के लिए, तो आपको कुछ इस तरीके से करके देखना है ताकि आपको पता चल जाएगी आपकी रेमेडी के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। जब आप इसको ओवरनाइट रखोगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से अपनी दाल को वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपको इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के लिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब आपको इसको क्या करना है, अच्छे से ग्राइंड करना है। मैं आपको ये एक और बात बता देती हूँ कि इस वीडियो के मैं दो पार्ट लेके आने वाली हूँ। आज जो मैं आपको फेस सीरम बताने वाली, ग्लोइंग सीरम बताने वाली हूँ, और सेकंड पार्ट में मैं इसका फेस पैक बताऊंगी या फिर स्क्रब बताऊंगी जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो अब आपको क्या करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, आपको इसका अच्छे से जूस अलग कर लेना है और जो इसका मोटा मोटा पार्ट है उसको अलग कर लेना है। हमें दोनों चीज को यूज करेंगे, जूस को हम आज सीरम बनाने के लिए यूज करेंगे, और जो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए हम फेस पैक और स्क्रब बनाने के लिए यूज करेंगे। तो आज मैं आपको सीरम बता रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका स्क्रब और फेस पैक बताऊंगी। तो फेस पैक से आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना गाइस, अमेजिंग रिजल्ट है। तो दोनों पार्ट को अच्छे से आपको देखना है। अब आपका एकदम जूस रेडी हो गया है। सेम इसी कंसिस्टेंसी का आपका जूस रेडी होना चाहिए। अब इसको और भी ज्यादा मैजिकल बनाने के लिए हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करेंगे जो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जान डाल देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है, आपको यूज करना है एलोवेरा जेल। अब आप यहाँ पर प्लांट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं और मार्केट वाला भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आपको 5-6 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल की ऐड करनी है। अब आप बोलोगे कि विटामिन ई ऑयल हम कहाँ से लेके आए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप विटामिन ई ऑयल घर पे कैसे बना सकते हैं, तो आपको उस वीडियो को देखना है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो विटामिन ई ऑयल के अंदर इतने सारे फायदे होते हैं जो हमारी स्किन को मिलते हैं, तो बेसिकली सीरम के अंदर यही चीजों को ऐड करना है। बस 3 इंग्रेडिएंट के साथ ये मैजिकल सीरम, मैजिकल पेस्ट आपके फेस के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एक बार मेरे कहने पे इसको जरूर से ट्राई करना, रिजल्ट आप खुद मुझे आके बोलोगे कि वाओ दी आपने क्या रेमेडी बताई है, एक बार ट्राई जरूर करना। तो अब आपको क्या करना है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपका स्मूथ सा टेक्सचर पेस्ट रेडी हो जाएगा। कितने टाइम तक आपको स्टोर करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसको यूज करने का तरीका बता देती हूँ। रात को क्या करना है, या फिर रात में, दिन में, जब चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद जैसे हम नॉर्मल क्रीम लगाते हैं या कोई सीरम लगाते हैं, सेम उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। मैं अपने हैंड पे डेमोंस्ट्रेट करके आपको बता रही हूँ, सेम आपको उसी तरीके से इसे अप्लाई करना है। तो देखिए इसका कितना प्यारा टेक्सचर आया है। आपको एकदम मसाज करते हुए अपने फेस पे इसे जेंटली अप्लाई करना है। आपके आपके स्किन पे एक बेबी लुक आता है हमारे फेस पे, जैसे हमारी स्किन बचपन में थी,
सेम वैसी होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको अच्छे से मसाज करने के बाद सिंपल नॉर्मल किसी कॉटन से अच्छे से इसको वाइप कर लीजिए या फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आपको फेस वॉश अब अप्लाई नहीं करना। मॉर्निंग में जब देखोगे ना रिजल्ट, यकीन नहीं होगा कि वाओ क्या रिजल्ट आया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।